वे बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन भिंड में भी धूमधाम से मनाया गया। मायावती को कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी। बसपा नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस पर इस बीच जमकर हमला बोला। बसपा के जोन प्रभारी दिलीप बौद्ध ने कहा कि भिंड जिले में सभी विधानसभा सीटों पर बसपा टक्कर दे रही है। ये कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये सब एक ही विचारधारा के लोग हैं, इसीलिए हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर इस देश में दलितों, पिछड़ों, गरीबों की अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम करती है, अगर इनके हक अधिकार की कोई बात करती है, तो सिर्फ एक ही नेता है और एक ही पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। हम लोगों को इस बात के लिए गांवों में जाके हमें बताना पड़ेगा कैडर और नुक्कड़ बैठकों के माध्यम से कि 2023 में ये कांग्रेस के बहरूपीय कुछ हमारे समाज के दलाल किस्म के लोगों को तोड़ करके हमारे बीच में आ रहे हैं और क्या कहते हैं कि अगर 23 में बीजेपी की पुनः सरकार आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा और बीएसपी तो खत्म हो गई, इस प्रकार का भ्रामक प्रचार।